चेतन नवरात्रे का अच्छ पहला दिन है और बहुत पुराना जिहड़ा मंदिर हैगा और काफ़ी लोगों की श्रद्धा इस मंदिर के नाल जुड़ी हुई है। प्राचीन मूर्ति जी इतने स्थापित की गई है बागवाली माता की और तस्वीर देखो तीन कि भव्य तरीके जी सजावट की गई और जी संगत वालों भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा भावना के नाल इस मंदिर के अपनी मनोकामना जी वो मंगिया जाए और माता वालों माता रानी वालों जी मनोकामना पूरी भी की जा सकते हो कि लोगों भी लोग जोड़े ने अपनी मनोकामना जीडिया वो मनते पे ना और जी दीवार आ दीवार के उपर भी अपने लोग जी माता रानी को जी मनता मंगते हैं उत्तर लिख के जाते हैं और लोगों की मनता जी पूरी भी होंदिया ने। कुछ मनोकामना तुम पढ़ के दिखाने की कोशिश कर रहा है। जय माता रानी जी मेरी सेहत अच्छी करो, कृपा करो। कोई बंदा ठीक नहीं है, कोई इंसान जो ठीक नहीं है वो वास्ते जोड़ा है उन्हें अपनी मनोकामना की। कितनी देर तो आ रहे हो? हर साल आने हैं। कुछ और लोग मौजूद ने गलबात करा भाजी की नादर है भाई सुरिंदर कुमार कितों आए भाजी सुजानपुरों भाजी की श्रद्धा लैके आते हो? हर भाजी माता रानी के दुआ परिवार को सुख रखे सारे ठीक रखे। बस माता रानी के नराते बड़ी धूमधाम मनाई जा रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद है सब संगत से। बहुत ही माता रानी का प्राचीन मंदिर है माता बागवाली का, बहुत ही कृपा सब से कृपा बनी रही माता रानी की। ते ये नराते जिहड़े ना अठ नराते मनाए जांदे ने। रामनौमी जिहड़ी है वो अज बुधवार नराता है, बुधवार अष्टमी है तो रामनौमी जिहड़ी है वो वीरवार मनाई जा रही है। दूर दूर से लोग आते हैं। ये मंदिर 80-90 वर्ष पुराना है और पृथक माता का मंदिर है। पंजाब में चौथे नंबर का मंदिर है जहाँ पर कोई चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तुसी देख रहे हो KRT न्यूज़ ते मैं लक्की सरोच। अज नवरात्रियां दा पहला दिन है, चेतन नवरात्रे जिहड़े ने वह मनाए जा रहे हैं पूरे देश भर के जोड़े आ लोग मंदिरों के मत्था टेकने वास्ते जा रहे हैं। तुहानू आपां अपने दर्शकों नू सुजानपुर के प्राचीन बागवाली माता मंदिर में लै के आए हैं। आओ चलते हैं तो मंदिर के दर्शन करवाने हैं। तो जो उत्थे दे पुजारी आ ते जिहड़े लोग श्रद्धालु आए हैं उन्होंने गलबात कराने की कोशिश करते हैं। इस वेले आप सुजानपुर के प्राचीन बागवाली माता मंदिर के पहुंचे हैं। तुहानू तस्वीरां दिखाने की कोशिश करांगा कि इस वेले जिहड़ा मंदिर के बाहर जिहड़ा श्रद्धालुओं का तांता लगना जिहड़ा शुरू हो चुका है क्योंकि चेतन नवरात्रे का अज्ज पहला दिन है और बहुत पुराना जिहड़ा मंदिर हैगा और काफ़ी लोगों की श्रद्धा इस मंदिर के नाल जुड़ी हुई है। आओ तुहानू मंदिर के अंदर लैके जाने अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वेले आपां मंदिर प्रांगण के बिल्कुल दीवार ते खड़े हैं और प्रबंधक कमेटी वालों मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों पूरी तरह से सजावट जी है नवरात्र ला के की गई है। तुम देख सकते हो कि गुब्बारों नाल और फुलों के नाल मंदिर का मुख्य द्वार जिहड़ा है वो सजाया गया। आओ मंदिर के अंदर चलते हैं। इस वेले आप मंदिर प्रांगण के अंदर पहुँच चुके हैं तो तुम्हें मंदिर के अंदर जी प्राचीन मूर्ति है वो दर्शन कराने की कोशिश करांगे तो नाल नाल ही संगतां दे नाल भी गलबात कराने की कोशिश करांगे। कि तस्वीर देख रहे हो कि श्रद्धालु जिहड़े काफ़ी मात्रा के श्रद्धालु जिहड़े इत्थे पहुँचे हुए हैं तो माता का आशीर्वाद प्राप्त करना आए हैं और पूरे भव्य तरीके सजावट मैं दिखाने की कोशिश करांगा। पूरा जो दरबार हैगा माता का वो वधिया तरीके सजाया होया और लोग जिहड़े ने लाइना च लग के माता बागवाली का दर्शन प्राप्त करते पे तो माता का आशीर्वाद लेंदे पे। तुम देख रहे हो तस्वीर के सामने कि श्रद्धालु लंबी लंबी लाइना के लग के माता का आशीर्वाद प्राप्त करते पे ने। और तुम्हें थोड़े क्लोज जाके दिखाने की कोशिश करा कि माता की जी प्राचीन मूर्ति हैगी है वह दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। इस वेले आप मंदिर जो प्राचीन मंदिर है बागवाली माता मंदिर वो मूर्ति जिते स्थापित है उस मंदिर के बिल्कुल अंदर मौजूद है। तो सारे दर्शकों आप दर्शन कराने की कोशिश करा कि बहुत प्राचीन मूर्ति जी इतने स्थापित की गई है बागवाली माता की और तस्वीर देखो तीन कि भव्य तरीके जी सजावट की गई और जी संगत वालों भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा भावना के नाल इस मंदिर के अपनी मनोकामना जी वो मंगिया जाए और माता वालों माता रानी वालों जी मनोकामना पूरी भी की जाती है। थोड़ा तस्वीर दिखा रहे हैं मंदिर के अंदर दियाँ जिते कि माता रानी की प्राचीन मूर्ति जी स्थापित की गई है। बाहर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करा कि संगत वालों माता रानी का आशीर्वाद जोड़ा प्राप्त किया जा रहा है। तुम तस्वीर देख रहे हो KRT न्यूज़ के माध्यम के राही बागवाली माता मंदिर सुजानपुर तो तस्वीर KRT न्यूज़ के माध्यम के राही।
चेतर नवरात्रे का अज पहला दिन है तो पूरे नवरात्रा के इस बाघ वाली माता मंदिर के जरा मेला इतने लग्या जाता दूर दूर तो संगत इतने आ गए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करती ने। दस कि इस मंदिर की महानता बहुत देर तो है और काफ़ी लोग इतने लोगों की श्रद्धा इस मंदिर के नाल जुड़ी हुई है। बाद में तुम दिखाने की कोशिश करा काफ़ी ज़्यादा रश जोड़ा है इस वेले माता रानी का आशीर्वाद जोड़ा प्राप्त कर रहा भगतों के काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा इस मंदिर के प्रति भरी हुई है। इस वेले मंदिर के बैक साइड से मौजूद हाँ आप देख सकते हो कि लोग जोड़े ने तो अपनी मनोकामना जड़ियाँ वो मनते पे ना और जी दीवार है दीवार के उपर भी अपनी लोग जी माता रानी को जी मन्नतां मंगते हैं उत्ते लिख के जाते हैं और लोगों की मन्नतां जड़ियाँ पूरियां भी होंदियां ने। कुछ मनोकामना तुहानूं पढ़ के दिखाने की कोशिश करा जय माता रानी जी मेरी सेहत अच्छी करो कृपा करो कोई बंदा ठीक नहीं है कोई इंसान जो ठीक नहीं है वो वास्ते जोड़ा है उन्हें अपनी मनोकामना की है तुम्हें और तस्वीर दिखाने की कोशिश करा और लैके चलते हैं और लोग जोड़े ने अपनी मनोकामना जी दीवार के उपर लिखी हुई है किसी ने बाहर जाना है किसी का विह नहीं हो रहा किसी का परिवार का कोई सदस्य जो बीमार है उन्होंने वालों से अपनी मनोकामना जी लिखी गई तो तस्वीर देख सकते हो लोगों के काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा इस मंदिर के प्रति माता बागवाली के प्रति जी भरी हुई है और लोग जोड़े दूरों दूरों आ के माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और लोगों भी गलबात कराने की कोशिश करा तुसी जुड़े रहो KRT न्यूज़ के नाल। अभी इस वे जो परिक्रमा बागवाली माता मंदिर की परिक्रमा वो छत से मौजूद हाँ तस्वीर दिखाने की कोशिश करा कि लोग जोड़े काफ़ी श्रद्धालु जोड़े इतने पहुँचे हुए हैं तो माता रानी का आशीर्वाद जोड़े प्राप्त करते पे ने। बहुत प्राचीन मंदिर सुजानपुर के पिंड अजीजपुर के भी स्थित है जिते कि बागवाली माता मंदिर नाम जोड़ा मंदिर में दिता गया और सजावट बहुत वधिया तरीके दे नाल प्रबंधक कमेटी वालों की गई है। इस वेले आप बागवाली माता मंदिर के अंदर मौजूद हाँ संगत लाइन च लगी हुई हैं कि संगत गलबात करने की कोशिश करा भाजी की ना तो अमन शर्मा नवरात्रे मत्था टेकन आए हो कि श्रद्धा लैके आते हो बस माता का आशीर्वाद लैके आने कि माता कृपा रखे घर से सुख शांति बनाए रखे बस कितनी देर तो आ रहे हो हर साल आने कुछ और लोग मौजूद ने गलबात करा भाजी की ना तेरा भाई सुरिंदर कुमार कितों आए भाजी सुजानपुरों भाजी की श्रद्धा लैके आते हो अरे भाजी माता रानी के दुआ परिवार में सुख रखे सारे ठीक रखे बस की कहना चाहते बस ठीक है जी नरात्रों के पहले नरात्रों की मत्था टेकन आए हो की कहना चाहते बस ठीक ठाक सुख शांति रखे माता रानी बस सुख शांति बख्शे माता रानी सारे की मेहर करे जाओ माँ शेरा वाली की भाजी की ना तेरा दीपी की श्रद्धा लैके आते हो पहला नवरात्र की मत्था टेकन वास्ते आए हो की कहना चाहते हो जय माता दी एंड की ना तेरा छवां पहले नवरात्र की मत्था टेकन वास्ते आए हो तो की कहना चाहते हो आही मनोकामना मेरा नाम विशाल बनोट जी कितनी देर तो मंदिर च आ रहे हो जी सुजानपुर रहने महामाई का मंदिर बड़ा सोहना सुचा और बड़ा उच्चा मंदिर है इत्थे हर एक दी आसा मुरादा पूरियां होंदियां नवरात्रे नूं बड़ा भारी मेला लगता इत्थे बड़ी दूरों दूरों संगत आउंदियां गुरदासपुर तो अमृतसर तो जम्मू तो बड़ी बड़ी दूरों संगत आउंदियां बड़ा प्रसिद्ध बड़ा सिद्ध मंदिर है और महामाई की साक्षात जोत जगदी इत्थे जी जय माता दी बहुत शक्ति वाली जगह माता दी हुण लगन मैनूं 5 साल हो गया ध्यान दे लगातार हर नरातां च बहुत ज्यादा श्रद्धांजलि आंदे लगन अज पहला दिन है बहुत ज्यादा श्रद्धांजलि आंदे लगन बस हर मनोकामना माता रानी पूरी कर दी बस जय माता बागवाली माता बहुत अच्छी है बहुत शक्तिशाली है और बहुत श्रद्धालु आंदे इधर हर साल 6 महीने बाद आंदे आंदे ही है बहुत अच्छे जय माता श्रद्धालु जी आप गलबात कर रहे थे कहना कि आप अपनी श्रद्धा अपनी मनोकामना लैके इतने पहुंचे अस मंदिर के प्रधान उन्होंने गलबात करने की कोशिश करते हैं मंदिर के पुजारी साहब मौजूद ने गलबात करा भाजी की कहना चाहते हर साल की तरह इस साल भी माता रानी के नराते बड़ी धूमधाम नाल मनाए जा रहे हैं माता रानी का आशीर्वाद है सब संगत से बहुत ही माता रानी का प्राचीन मंदिर है माता बागवाली का बहुत ही कृपा सब तो कृपा बनी रहे माता रानी की या माता मंदिर कमेटी के प्रधान बलबीर सिंह साडे नाल मौजूद ने गलबात करांगे प्रधान जी पहला तो नराते की बहुत बहुत शुभकामनावां ते की प्रक्रिया रहिंदी किन्ने दिन का मेला है ते की सारा प्रोग्राम है साडे दर्शकां नूं दस्सो हर साल की तरह चेत नरात्या त्यौहार बड़ी धूमधाम नाल मनाया जांदा इस बार भी अभी पहला नराता है माता रानी चरणा च तुहाडे सामने लोगों की रौनक लगी हुई
नराते जिहड़े अठ नराते मनाए जांदे ने। रामनौमी जिहड़ी है वह अज बुधवार नराता है, बुधवार अष्टमी है, तो रामनौमी जिहड़ी है वह वीरवार मनाई जा रही है। साडा जिहड़ा त्यौहार है मंदिर की तरफों बुधवार अगले बुधवार अं 12 बजे हवन करांगे, 1:30 बजे 2 बजे जग करांगे, तो उसके बाद रात में जगराता भी किया जाएगा। और राते दुनिया जी है बहुत दूरों दूरों दिल्ली बॉम्बे कलकत्ते इतने माता की रौनक बधाने आती है। तो मेरी संगत यही गुजारिश है कि लाइना चाहन तो प्रेम पूर्वक माता दर्शन करन, कोई धक्का मुक्की नहीं करन, अपने पर्सन का ध्यान रखना। जनानियां खासकर लेडीज पर्स गुआ जाएँ तो फिर बड़ा मुश्किल आता है, इस करके उन्होंने मेरी अपील है कि अपने जो पर्सन का बैगों का ध्यान रखन। जय माता। की प्रबंध जो कमेटी वालों किए गए हैं जी? हर साल लंगर लगे हुआ थोड़े सामने, हर रोज़ लंगर माता रात में रहना वो भी रह सकता है। थोड़े सामने डेकोरेशन माता की खूबसूरत हुई है, प्रशासन की एप्लीकेशन देती है, आ जाएंगे, कहते अज रश घट आज नहीं तो कल तो आ जाएंगे। हाँ जी, बलबीर सिंह प्रधान जो कि पूरी देख रेख इतों की करते हैं, बड़े वधिया तरीके प्रबंध इन्होंने किया हुआ, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो सीसीटीवी कैमरे भी इतने जोड़े लगाए गए हैं पूरे मंदिर के, कोई जी घटना भी होंगी है तो वो जी है वो कैमरे में कैद हो जाए। हम बाहर के कुछ होर भी मंदिर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाघ वाली माता मूर्ति जितने स्थापित जोड़े ने बाकी मंदिर भी इतने स्थापित किए गए हैं, चाहे वह शिव परिवार हो, चाहे वह राम परिवार हो, चाहे वो साईं बाबा जी की मूर्ति होवे। दिखाने की कोशिश करांगा कि सामने तुम मंदिर देख रहे हो, और ये मंदिर जिहड़ा है सामने ये शिव परिवार का मंदिर हैगा, इसके नाल ही जिहड़ा इसके नाल ही राम परिवार जिहड़ा है राम परिवार का मंदिर भी जिहड़ा स्थापित किया गया, और माता लक्ष्मी जी का मंदिर भी जिहड़ा दरबार इत्थे स्थापित किया गया, गणेश जी का भी दरबार जिहड़ा इत्थे स्थापित किया गया, और काफ़ी ज़्यादा लोग जिहड़े ने इत्थे आ के अपना जिहड़ा सिर झुकांदे ने। इहदे नाल नाल तुसीं देख सकदे हो कि इत्थे साईं बाबा जी का मंदिर भी जिहड़ा इत्थे स्थापित किया गया, और जिहड़े पंडित जी इत्थे बैठे हुए ने इत्थे, और जिहड़े श्रद्धालु ने वह इत्थे जिहड़ा आशीर्वाद प्राप्त करदे हुए नज़र आ रहे हैं। तुहानूं दस दईए कि इस दे नाल नाल भगवान परशुराम जी का मंदिर भी इत्थे स्थापित किया गया, बड़ा भव्य मंदिर जिहड़ा इत्थे सजाया गया। तुसीं देख रहे हो KRT न्यूज़ के माध्यम राही, इत्थे सजावट देख सकदे हो, बड़ी वधिया सजावट जिहड़ी इत्थे कीती हुई है, और इतों के पंडित देवकी नंदन जी है, उन्होंने गलबात करा, उन्होंने तो जानेंगे मंदिर के इतिहास के बारे। पंडित देवकी नंदन शास्त्री जी मौजूद हैं सा गलबात करा। पंडित जी क्या कहना चाहते हो, जो चेतन नवरात्रों का मेला आज से शुरू हो चुका है, क्या कहना चाहते हो? मैं पंडित देवकी शर्मा मुख्य पुजारी काली बाग वाली माता मंदिर से बोल रहा हूँ। हमारे मंदिर पर नवरात्रों का मेला आज से शुरू है, वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें हमारी कमेटी का, प्रेस वालों का, पुलिस वालों का और जनता का काफ़ी सहयोग होता है। आप आएँ आराम से, जहाँ पर लंगर वगैरह की, रहने वगैरह की सभी व्यवस्थाएं माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करती है। दूर दूर से लोग आते हैं। ये मंदिर 80-90 वर्ष पुराना है और प्रत्यक्ष माता का मंदिर है, पंजाब में 4 नंबर का मंदिर है, जहाँ पर कोई चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, और सभी भाई बहनों का पूरा सहयोग होता है। फिर भी बाहर से आने वाली संगत को किसी प्रकार की कोई परेशानी पड़ती है, पैसे की, खाने पीने की, रहने सहने की, तो प्रबंधक कमेटी प्रधान बलबीर या मुख्य पुजारी पंडित देवेंद्र शर्मा से मिल सकते हैं। बाकी हमारे प्रेस वाले भाई 24 घंटा हमारे मंदिर में ही रहते हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं। कोई तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई बहनों को। आप सभी से प्रार्थना है, ये मंदिर आपका सभी का साझा मंदिर है, हम और आपने सहयोग करना है, बाहर से आने वाली संगत की सेवा करनी है, और सभी नौजवानों से मेरा अनुरोध है, विनती है कि भाई अपने माता पिता की सेवा करो, नियमों का पालन करो और नशा से दूर रहें, और अपने कर्तव्य का पालन करें, जो भी आपकी जिम्मेदारी दी है उसको पूर्ण तरह से निभाएं। और आप अष्टमी को लंगर है, हवन है ना, रात को जगराता है, सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, जहाँ पर सब कुछ इंतजाम है आपके लिए, खाने पीने रहने सहने के लिए बिल्डिंग बनी हुई है। अगर कोई भी गरीब भाई बहन है जिनके माता पिता नहीं है, बेटियां जवान हो गई हैं, लड़की की शादी है, वो आप निस्वार्थ आकर के जहाँ पर नाम लिखा दें, जब जिम्मेदारी बलबीर सिंह पठानिया की होगी, वो निस्वार्थ लड़की की शादी करेंगे, जो भी उसके भाग्य में होगा वो मंदिर की तरफ से हम मदद करेंगे। जय माता जी। धन्यवाद। ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
तुहानू दिखा रहे सीगे तस्वीरां सुजानपुर के बागवाली माता मंदिर तो पहला नराता जो मेला अज स्टार्ट होया। इस तरह तुसीं केआरटी न्यूज़ नाल जुड़े रहो, तुहानू होर भी मंदिरां दे दर्शन कराते रहांगे। संजोगी केसव डिसोटिया के नाल लक्की सरोच, केआरटी न्यूज़ सुजानपुर।